बच्चा जो सुनता है वो नहीं करता, क्या करता है बच्चा? जो देखता है वो करता है। तो गुरु को आचार्य भी कहते हैं। आचार्य मतलब आचरण, सिर से लेकर चरण तक हमारा व्यवहार, हमारे बोलचाल, हमारे कार्यकलाप कैसे हैं, वही बच्चा अनुसरण करता है। तो इसलिए टीचर्स को एक आदर्श टीचर अपने को बनाना होगा, ताकि वो समाज में एक आदर्श स्थापित करे। क्योंकि हम बच्चों को शिक्षा अर्थ बुलाते हैं और उन्हें सेवा अर्थ तैयार करके भेजते हैं। ये जो कुछ स्कूल में लिखा होता है केवल लिखने के लिए नहीं होता है, ये जीवन में उतारने के लिए होता है। तो ये हमें बच्चों को प्रेरित करना है, और ये प्रेरित तब कर पाएंगे जब खुद में होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर वो चीज होती है ना, तो वो पावर से कह पाता है। जैसे हम लोग बस में जाते हैं तो उसमें लिखा होता है सामने बड़े बड़े अक्षरों में, धूम्रपान निषेध है और जुर्माना लगेगा। सवारी अगर धूम्रपान करती है तो अगर ड्राइवर भी और कंडक्टर भी करते होंगे तो फोर्सली उसको मना नहीं करेंगे। अगर सवारी ने कहा कौन कर रहा है भाई, ये धुआं कहाँ से आ रहा है, कौन सिगरेट पी रहा है, तो ड्राइवर कहेगा हाँ बंद कर दो, कौन कर रहा है, ऐसे बोल देगा हल्के से। और अगर खुद नहीं पीता होगा तो कैसे बोलेगा, बंद करो, उतरो, मेरी बस से उतर जाओ, फोर्सली बोलेगा ना। तो जब हमारे अंदर कोई चीज होगी तो फोर्सली बोलेंगे, और मेरे अंदर कमी होगी तो हम बच्चों को भी वो चीजें कभी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए शिक्षा का मूल उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार करना। अज्ञे जी ने कहा है ना, शिक्षा का मूल उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार करना। और आत्म साक्षात्कार जब हो जाता है तो आत्मा के दैवी गुण निखर के आते हैं। वो दैवी गुण कभी हमारे भारत में थे, दया, क्षमा, परोपकार, सहयोग, सद्भावना, करुणा, दया, ये सभी सद्गुण हमारे अंदर थे। तब उस समय की शिक्षा उत्कृष्ट शिक्षा थी। विदेशी लोग भी उसका लोहा मानते थे। जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों के जो वायसराय थे उन्होंने यही सर्वे किया कि भारत इतना उत्कृष्ट कैसे है, इतना शक्तिशाली कैसे है। तो उन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखी कि बचपन से इनके अंदर वो संस्कार डाले जाते हैं, इसलिए ये इतने श्रेष्ठ होते हैं। तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दिया। आज जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी आई है, हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो ये त्रुटियां आई हैं, मनुष्यों के जीवन में जो ये नशीले पदार्थ आए हैं, इस वजह से ये जो हमारी शिक्षा पद्धति है ये गिरावट में जाती जा रही है। तो हमें इसको बचाना है, और तब बचाएंगे जब खुद बचेंगे तो दूसरों को भी हम बचा पाएंगे। क्योंकि मेरे अंदर जब वो जज्बा पैदा होगा तभी तो पैदा कर पाएंगे, मेरे अंदर ही नहीं है। स्कूलों में लिखते हैं कितना अच्छा, वतन के वास्ते मरना, हाँ वतन के वास्ते जीना, वतन पे जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। तो ये कब आएगा, जब हम अपने अंदर वो चीज पैदा करेंगे। तो हमें पहले अपने से प्यार करना पड़ेगा। जैसे किसी से पूछो भैया आप ये गुटखा क्यों खाते हो, अरे मरना तो है यार, ये तो कल मर जाएंगे। तो अपने घर को आग क्यों लगा रहे हो, तुम तो मर जाओगे, वो पीछे छोड़ जाओगे, पत्नी और बच्चों को घुमा जाएंगे। तो मतलब बड़े सहज भाव से कह देते हैं, जब अपने को ही बचाना नहीं आ रहा है तो देश, दुनिया, समाज को क्या बचाएंगे वो। और ऐसे इंसान सहज तरीके से बिक भी जाते हैं, कोई भी उन्हें खिला पिला के वोट अपने पक्ष में करवा सकता है, देश भी वो बेच सकता है। तो नशे के अधीन व्यक्ति का कोई जीवन नहीं होता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा ऐसी शक्ति इस समय दे रहे हैं, क्योंकि हम भगवान से क्या मांगते हैं, मनोविकारों को जीतने की शक्ति। बिना शक्ति के हम उस चीज को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अब वो जीवन में आ गया है। पहले व्यक्ति शराब पीता है और फिर शराब व्यक्ति को पीती है, पता है ना ऐसा। पहले तो व्यक्ति पीना शुरू करता है, फिर उसको वो पीना शुरू करती है, छोड़ती नहीं, कहती अभी ये ग्राहक भाग रहा है, तो वो उस ग्राहक को छोड़ती नहीं है।